हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरित मानस पर निबंध तो फ्रेंड्स इस निबंध को हम प्रभावशाली तरीके से हेडिंग्स के साथ और स्लोगन के साथ लिखेंगे तो चलिए एक बार इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी जानकारी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं आखिर कौन से तरीके से हम इस निबंध को लिखने वाले हैं सबसे पहले हम निबंध की प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें हम टॉपिक का परिचय देंगे देन हम लिखेंगे पुस्तक की रचना कि श्री रामचरित मानस जो हमारी प्रिय पुस्तक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई देन हम लिखेंगे श्री रामचरित मानस का संक्षिप्त परिचय शॉर्ट में हम इसका इंट्रो देंगे देन हम लिखेंगे श्री रामचरित मानस की विशेषताएं श्री रामचरित मानस से मिलने वाली प्रेरणा की आखिर हमें इस पुस्तक को पढ़कर क्या प्रेरणा मिलती है देन उपसहार तो चलिए एक स्लोगन के साथ इसको शुरू करते हैं राम राज्य फिर लाना होगा जीवन का मूल्य बढ़ाना होगा इतना लिखने के बाद हम प्रस्तावना लिखनी शुरू करेंगे इस संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं मैंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है उन सभी पुस्तकों में श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ है यह पुस्तक हमें भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र का अनुकरण करने की प्रेरणा देती है यह है पुस्तक राम राज्य स्थापित करने की उच्च भावना को जगाने वाली है देन हम लिखेंगे रचना इसमें हम इस पुस्तक की रचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखेंगे श्री रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है यह अवधि भाषा का एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है तुलसीदास जी की यह कृति इतनी श्रेष्ठ है कि यह संसार की सभी समृद्ध भाषाओं में अनुदित हो चुकी है अर्थात सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है इस पुस्तक को कवि तुलसीदास जी का अमर स्मारक माना जाता है श्री राम मानस की रचना चौपाई दोहा सोठा छंद एवं संस्कृत के सुंदर श्लोकों द्वारा हुई है रामचरित मानस को तुलसीदास जी ने सात कांडों में विभक्त किया है सात कांडों के नाम इस प्रकार है बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किशकिदा कांड सुंदर कांड लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है और उत्तर कांड श्री रामचरित मानस का संक्षिप्त परिचय श्री रामचरित मानस में त्रेता युग के दौरान अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा का वर्णन है इस महाकाव्य के नायक श्री राम और नायिका माता सीता हैं। इसमें श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया गया है माता सीता को एक आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया है इसमें जीवन के हर पहलू को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है प्राण जाए पर वचन न जाई पर आधारित रघुकुल की आदर्श रीति का बखूबी वर्णन किया गया है देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे श्री रामचरित मानस की विशेषताएं। इसमें हम इस पुस्तक की विशेषताओं को लिखेंगे श्री चरित मानस को मानव जीवन हेतु अमूल्य निधि माना जाता है इसमें पत्नी के अपने पति के प्रति एक भाई के दूसरे भाई के प्रति बहू के सास ससुर के प्रति और पुत्र के माता पिता के प्रति कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है यह पुस्तक हिंदी साहित्य का वह सुगंधित फूल है जिसकी सुगंध से तन मन पुलकित सा हो जाता है श्री रामचरित मानस जैसे प्रभावशाली चरित्र चित्रण अन्य किसी भी हिंदी महाकाव्य में देखने को नहीं मिलते हैं देन हम लिखेंगे श्री रामचरित मानस से मिलने वाली प्रेरणा श्री रामचरित मानस को पढ़ने से हमें सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं आदर्श तरीके से सुलझाने की प्रेरणा मिलती है इसको पढ़ने से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है एक बार पढ़ने के बाद इसे पुनः पढ़ने को मन करता है इसे पढ़कर राम राज्य रूपी एक आदर्श राज्य स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है इस पुस्तक के द्वारा हमें धर्म व नीति की राह पर चलकर आदर्श जीवन मूल्यों में वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है श्री राम और वीर हनुमान के रूप में भक्त और भगवान के बीच का अलौकिक अद्भुत संबंध वर्तमान में भक्ति का मार्ग अपनाने वालों का मार्गदर्शन करता है देन हम लिखेंगे उत्साह श्री रामचरित मानस साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है यह अपनी श्रेष्ठता और भव्यता का परिचय खुद ही कराती है यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जो अत्यंत उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है इसी वजह से यह मेरी प्रिय पुस्तक है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरित मानस पर एक अत्यंत प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद